सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दूरियाँ कभी कभी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है और नजदीकियाँ कभी रिश्ते को नहीं बना सकती है। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वो मिलो दूर ही क्यों ना हो। जब तन मन में लालच स्वार्थ ईर्ष्या नफरत पलते रहेंगी शांति कभी नहीं मिलेगी। जब ये बात हम सभी जानते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं। आज का पंचांग आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि सुबह 8:32 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 2:12 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:01 से 3:43 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:52 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 8:23 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर शाम 6:20 तक रहेंगी। इसके उपरांत मिथुन राशि में प्रवेश करेंगी। आप सभी को मिथुन संक्रांति की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 15 जून 2023 दिन गुरुवार। आप सृजनात्मक महसूस करेंगे और बहुत सारे कामों के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि आपको यह वास्तविक भय रहेगा कि दूसरे क्या सोचेंगे और कहेंगे। आपको यह समझना है कि सही नजरिए से आधा काम तो बिना किए ही हो जाता है। यद्यपि सृजनात्मक और ऊर्जापूर्ण रहने के बावजूद आपका आत्मविश्वास आज साथ नहीं देगा। कुछ उलझे हुए मामलों का समाधान मिलेगा। नजदीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात रहेगी और आपसे गिले शिकवे दूर होंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है। बदलावों को समझने की कोशिश करें। आपका लक्ष्य बदलता हुआ नजर आएगा। आप जो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। स्वभाव में बढ़ रहा लचीलापन नए लोगों के साथ जुड़ने के लिए सहायक साबित हो सकता है। करियर संबंधित नाराजगी की चर्चा अनुभवी लोगों के साथ जरूर करें। साथी परख होने के बाद ही रिलेशनशिप के बारे में विचार करें। शरीर में पानी की मात्रा कम हो सकती है, ध्यान रखें। आज आपका ध्यान आर्थिक मामलों पर रहेगा। इस समय ग्रह स्थितियों की स्थिति अनुकूल रह सकती है। यात्रा से बचे क्योंकि कोई हानि होने की भी संभावना है। अगर आज यात्रा पर जा रही है तो सावधानियां। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा रही हैं। अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें और भावुकता हावी ना होने दें। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपका प्रयास जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकी आने के लिए कायम रखना जरूरी है। आज आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। हालांकि मामला आगे बढ़ने में आपकी और आपके पार्टनर की कुछ अपरिपक्वता आड़े आएगी। अपने पार्टनर के पिछले समय को लेकर असुरक्षित महसूस ना करें और अपने बीच में अविश्वास की भावना ना आने दें। अगर बहाव के साथ शांति से चलेंगे तो अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपनी व्यवसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। निवेश संबंधित गतिविधियों में जल्दबाजी न करें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी व्यवसायिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आएगा। व्यस्तता बहुत अधिक रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों को अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने पर अधिकारियों की सराहना मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। तनाव और थकान जैसी स्थिति से बचने के लिए
मेडिटेशन करें तथा रुचिपूर्ण गतिविधियों में भी कुछ समय जरूर लगाएं। आज आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बखूबी निपट सकती हैं। आपको आज के दिन बहुत शारीरिक जश्न करने वाले काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप आसानी से समय रहते उन्हें पूरा कर पाएंगी। आपसे किसी और की भी स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। केवल दिन के अंत में अपनी मनपसंद गतिविधियों के साथ मनोरंजन करना ना भूलें। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।